Hello friends, once again a very warm welcome to Positive Vibes by Sachin Jain. आज का वीडियो वैसे तो एक बड़े नेगेटिव से टॉपिक पे बना रहा हूँ मैं, लेकिन सिंस मेरे चैनल का नाम ही पॉजिटिव वाइब्स है तो मैं इसको हंसी मजाक के मूड में बनाऊंगा दोस्तों. एक्चुअली बात यह है कि जब से मैंने ये चैनल बनाया मुझे सब तरह का फीडबैक मिल रहा है अपने चैनल के बारे में. तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा, दे आर वेरी क्लोज टू मी, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दुश्मन है वो लोग, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. तो वो जब भी मेरे को मिलते हैं तो उनका फीडबैक कुछ ऐसा होता है कि यार क्या तूने क्यों बना रखा है चैनल, है इसका क्या फ़ायदा है, कितने के लोग हैं जो तेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनमें से कितने के लोग हैं जो तेरे वीडियोज़ को देखते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो तेरे वीडियो को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सुनते तो हैं लेकिन उसके ऊपर एक्ट करते हैं. तो क्यों बना रखा है यार, हमें टाइम खराब करी जा रहा है अपना भी, ये भी वो भी. तो इन सब लोगों को मैंने कोई जवाब नहीं दिया है. इनको जवाब देने के लिए मैं अपने चैनल के रास्ते से ही जवाब दूंगा. तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और उसके एंड में इन लोगों को मैं जवाब भी दूंगा कि इसका फायदा है या नहीं है. दोस्तों स्टोरी ऐसी है कि बहुत समय पुरानी बात है, शाम का टाइम हो रखा था और समुंदर के किनारे काफ़ी लोग आए हुए थे, कई फैमिलीज के साथ आए हुए थे, कई बच्चों के साथ, कोई बुजुर्ग सैर कर रहे थे. तो वहाँ पे एक बहुत ही अजीब किस्म की घटना घटी उस समुद्र तट के ऊपर, बीच के ऊपर. अचानक से समुंदर में से काफ़ी सारी मछलियाँ बाहर आकर गिरने लगीं और आके तड़प तड़प कर मरने लग गई समुद्र तट पे. अब वो क्यों समुद्र तट पे वो सारी मछलियाँ आके गिर रही थी, ये फिनोमिना तो पता नहीं, ये नेचर का कोई फिनोमिना होगा. तो ये सब सारा सीन एक वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग से महात्मा टाइप आदमी थे तो वो उन मछलियों को एक एक करके उठा के समुंदर में वापस उन्होंने फेंकना शुरू किया. वो फेंकते जा रहे थे मछलियों को, लेकिन समुंदर में से बहुत सारी मछलियों का बाहर आके गिरना, तड़पना, वो तड़प रही थी समुंदर तट पे. बहुत से लोग इस नज़ारे को देख रहे थे, कुछ लोग उन महात्मा को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, और जितनी मछलियां वो समुद्र में डाल पा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा, हज़ारों मछलियां समुद्र के किनारे पे आ रही थी. तो एक आदमी के मन में काफ़ी इसके प्रति क्यूरियोसिटी हुई तो वो महात्मा के पास जाके वो बोलता है कि महात्मा जी बुरा मत माने, आप एक एक दो दो मछलियां उठा के फेंक रहे हैं समुद्र में, समुद्र 100-200 पर मिनट मछलियाँ उठा के बाहर फेंक रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या है, आपके काम का क्या फ़ायदा है, क्या क्यों कर रहे हो आप, ये एक वेस्टफुल एक्सरसाइज ही है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो महात्मा उसको कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए और दोबारा से मछलियां फेंकनी शुरू कर दी. अंदर जितनी फेंक पा रहे थे फेंकते गए. अब वो आदमी उनके पीछे ही पड़ गया, वो कहता आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं और आप एक बहुत पहुंची हुई शख्सियत लग रहे हैं मेरे को, तो मेरी बात का कोई जवाब तो दीजिए आप प्लीज़. तो महात्मा जी ने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ. उसका जवाब देने के लिए ये देखो, ये एक मैंने मछली उठाई, उन्होंने नीचे से तड़पती हुई एक मछली को उठाया और उस आदमी को भी दिखाया और उसको दिखा के कहते लो इसको मैं समुद्र में जाके फेंक रहा हूँ, और उन्होंने उसको जोर से फेंका तो वो जाके समुद्र में गिर गई. तो महात्मा जी ने बोला कि अब तुम पूछ रहे थे कि इस सारी एक्सरसाइज का, मेरी मछली को उठा के फेंकने का क्या फ़ायदा है, तो इस वाली मछली को जाके पूछो कि क्या फ़ायदा है, क्योंकि मेरा ऐसे करने से, इस एक्शन से, इसको अपनी ज़िंदगी भरपूर जीने का एक एक्स्ट्रा चांस मैंने दे दिया है. वो किस्मत की बात है कि ये दोबारा तट पे आके गिरेगी, और वो भी किस्मत की बात है कि शायद मैं इसको दोबारा उठा के ना समुद्र में फेंक सकूं. लेकिन अगर आज मैंने 100, 200, 300 मछलियां उठा के समुद्र में फेंकी, उनमें से एक या दो मछली भी जिंदा रह गई और वापस तट पे ना आई, देन गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर फिश, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू हर. दोस्तों इस स्टोरी का मॉरल यही है कि कई बार छोटी छोटी दिखने वाली बातें और चीजें जिनका कोई फायदा एक्चुअली नजर नहीं आता है, उसका किसी ना किसी को कोई फायदा हो जाता है. और यही बात एंड में आके मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो मेरे से ये पूछते हैं कि मेरे चैनल का क्या फायदा है, तो इसके फायदे अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल का एक फायदा सबसे बड़ा तो ये है कि मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूँ सारा दिन इस चैनल के ऊपर, अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता हूँ, कंपेयर टू द पीपल जो सारा दिन नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, जेलसी फैलाते हैं, दूसरों से जलते रहते हैं. फायदा तो उसका भी कोई नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग वो काम भी तो करते हैं. तो एटलीस्ट मेरे काम का कोई फायदा नहीं है, मैं मान लेता हूँ इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं काम तो अच्छा ही कर रहा हूँ ना. तो इसका एक फायदा तो ये है कि मैं बुरी बात नहीं कर रहा जिसका फायदा नहीं है, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ जिसका कोई फायदा नहीं है. दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव वाइब्स बाय सचिन जैन मैंने बनाया है और इस चैनल के जरिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. 250 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो परमानेंट मेंबर्स हैं मेरी इस पॉजिटिव कम्युनिटी के.
उनका मेरे को ये फायदा हो रहा है कि एटलीस्ट वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े पॉजिटिव लोग हैं इसीलिए जुड़े हैं। फिर कुछ वो लोग हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा है, कुछ ने सब वीडियोस देखे हैं, रेगुलरली देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस कभी कभी देखे हैं। देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जिन्होंने मेरे वीडियोस भी देखे हैं, सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है और पर्सनल लाइफ में मेरे को जानते भी हैं, तो दे हैव बिकम अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ दिस पॉजिटिव कम्युनिटी। देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जो मेरे को पर्सनली शायद नहीं जानते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, इसको देखते भी हैं, पॉजिटिविटी शेयर भी करते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े हैं। तो ये इसका फायदा है कि पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी आ रही है। और वन मोर थिंग इज देयर कि मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ, हो सकता है कि इस चैनल के जरिए मैं अपने से कहीं हजार गुना ज्यादा पॉजिटिव लोगों से मुलाकात कर पाऊं, उनसे जुड़ पाऊं, तो और किसी को कोई फायदा हो ना हो मेरे को ये फायदा होगा कि मेरे अंदर और पॉजिटिविटी आ जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ फायदे हैं इस चैनल को चलाने के। तो क्या आप मेरे को ये बताइए कि ये ठीक बात नहीं है कि सारा दिन नेगेटिविटी फैलाता रहूं जिसकी वजह से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा ये काम नहीं है कि ये चैनल चला रखा है इससे ये फायदा हो रहा है। तो और वैसे भी दूसरी बात लास्ट में यही कहूंगा कि क्या जिंदगी में वही काम करने चाहिए जिनका कोई अपेरेंट फायदा है, जिनसे मॉनेटरी बेनिफिट होता है, या जो हमारी डायरेक्ट सक्सेस से जुड़े हुए हैं, या ऐसे कुछ काम भी करने चाहिए जिससे शायद किसी के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती हो। एटलीस्ट ये चैनल बनाने से मैंने स्माइल करना ज्यादा शुरू कर दिया अपनी लाइफ में दोस्तों। तो मैं उन सब लोगों को बुरा नहीं मैं मानता उनकी बात का, उन्होंने भी कोई बुराई में नहीं बोला होगा ऐसे, कि मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं हो रही है। आई एम अ लकी पर्सन, बहुत सारे लोग पॉजिटिव वाइब्स चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। और सारा दिन बुरी बातें करने से अच्छा है कि इसके ऊपर आके अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स मिल रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी मिलते हैं और चैनल पे भी आपके कमेंट्स मिलते हैं। एंड योर पॉजिटिव और इवन योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिकम्स अ फ्यूल, इट बिकम्स अ फ्यूल टू बर्न दैट फायर ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड, डीप इनसाइड माय हार्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो बस ऐसे ही एक नेगेटिव से थॉट से बनाना शुरू किया था कि सम पीपल हैव क्वेश्चन्ड माई चॉइस ऑफ मेकिंग दिस चैनल। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को कि इस चैनल पे हमेशा पॉजिटिव कंटेंट को शेयर करता हूँ, दिल से बात करता हूँ, बिना स्क्रिप्ट के बात करता हूँ, बिना एडिटिंग के बात करता हूँ और उन्हीं चीज़ों पे बात करता हूँ जिनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है। तो आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉजिटिविटी को फैलाते जाएं ज़िंदगी में, इसको ही बढ़ाते जाएं, पॉजिटिव क्वोशेंट को बढ़ाएं। लेट अस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, लव, अफेक्शन एंड हैप्पीनेस ओनली। यही अच्छी बातें हैं, यही सिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन आप करते हैं तो मैं भी करता हूं आप लोगों से जुड़ के। और जब से चैनल बनाया है अ ह्यूज डिफरेंस हैज कम टू माय लाइफ। सो कीप ऑन सपोर्टिंग मी, कीप ऑन वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सचिन जैन। और पर्टिकुलरली इस वीडियो का फीडबैक अगर आप चैनल के ऊपर जाके कमेंट सेक्शन में देंगे तो बहुत सारा मजा आएगा और मेरे उन दोस्तों को दिखाने को प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ यार सचमुच कुछ लोग पॉजिटिव हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। तो प्लीज जाके वहां पे कुछ फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।